Everybody has that unique quality and वो unique quality को आप लोग पहचानो and उसको मतलब strength बनाओ और दुनिया को दिखाओ। मेरे को टोटो तो नहीं मिला, अभी रिक्शा भैया आ रहा है यहाँ पर, तो यही रिक्शा में पानी को डालकर चलना है। केरा दिन ना केरा यो कति हो अब ये सबको यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद चलते बनते हैं गाइस। चलो हे यो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सभी हो, कैसे होंगे, अच्छे रहना अपने अपने घर में। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रोहित भाई का बर्थडे था एंड रोहित भाई हमारे यहाँ पर आया था रात को, तो मतलब रात को बात करते करते सेलिब्रेट करते करते बर्थडे सेलिब्रेट करते करते वो एकदम देरी हो गया, तो हम लोग डिनर खा के मतलब ऐसे ही सो दिए। बर्तन नहीं मांजा, डिनर क्या किया हुआ बर्तन, तो अभी लंच भी नहीं पकाए, ब्रेकफास्ट भी नहीं पकाए। संदीप ने एक दो भांडा मांज कर गया है बेचारा, वो भी क्या करेगा ना, बर्तन मांजे या फिर खाना पकाए, उसको भी मतलब थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे से थोड़ा जल्दी उठता है, उतना जल्दी भी नहीं उठता है, मेरे से मतलब एक घंटा या डेढ़ घंटा आगे उठता है, तो वही है गाइज। एंड मैं खाना नहीं पकाया, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लाने, तो वही है, तो चलो चलते हैं गाइज। यहाँ आलू ख़त्म हो गया था रूम पे, तो आलू अभी लेंगे और उसके बाद एक दो सब्जी लेकर चले जाएंगे, ठीक है। केरा दिन ना केरा यो कति हो एक दर्जन पचास हाँ दिन था एउटा एक दर्जन दिन तर 500 को था भैया के पास है चेंज अप्रैल 50 रुपये एक दर्जन ला और क्या दे बस केला ही सिर्फ केला। केरा को यहाँ पर रख देंगे अभी एंड सब्जी यहाँ पर है मेरा भैया मेरा सब्जी ए उधर से मेरे सब्जी वहाँ पर है दिन ना मेरे सब्जी अब ये सबको यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद चलते बनते हैं गाइस। चलो अंडा 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 दिन ना अंडा चाटा चाटो अंडा ले लेंगे अभी। हेलो मैडम, पहचान कौन, अभी जिम में ये गाना बज रहा था ना, तो मैं अभी यही गाना गा रहा हूँ। बस ये ढाकी यहाँ पर है, अंडा अंदर रखते हैं अंकल अंडा। गर्मी है बहुत। सो गाइस अभी फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ एंड अभी इसको अंदर ले चलते सब निकाल कर। यहाँ पर है अंडा, यहाँ पर है मेरा बनाना एंड यहाँ पर आज के लिए सब्जी जो कि मैंने पंपकिन लाया है। ए मेरा अंडा कितना जाए भाई, क्या बताए, इतना दिक्कत होता ना, क्या क्या बताए। ये है मेरा चिकन, तो साइकिल को यहीं पर रख देते एंड ये बाइक अभिषेक दा का, अभिषेक दा यहीं पर छोड़ के जाते हैं बाइक, आज तो मतलब लेने नहीं आए अभिषेक दा ना, तो चलो अंदर चलते हैं गाइस। अभी रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए एंड उसके बाद चिकन विकन बॉयल करेंगे, अंडा बॉयल करेंगे और खाएंगे, मस्त आराम करेंगे, वीडियोस बनाना है आज तो भाई मस्त एकदम, ठीक है। अंडा को यहाँ पर रख देता हूँ, केला को भी अंदर ले जाएंगे, केला को यहाँ पर रख देंगे, अभी दो केला खाएंगे एंड उसके बाद ये रहा चिकन, चिकन बचा है, चिकन को इधर रख देंगे, ठीक है। एंड अभी अंधेरा होने वाला है गाइस, 5:30 हो गए, अभी 6 बजने वाला है, तो मस्त वीडियो अपलोड करेंगे अभी। पहले उससे पहले फ़ैन ऑन करके लाइट ऑन करके नहीं 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 लाइट अभी ऑन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि दिन भर मुझे उजाले में बैठना ना पसंद नहीं है, लाइट के लाइट का उजाला मेरे को पसंद नहीं है, वो नेचुरल वो जो सनलाइट आता है वो मेरे को पसंद है, लेकिन वो वाला नहीं। अभी मास्क खोल लेते गाइस, आई एम टायर्ड आज ना मेरे मतलब जिम में ना एनर्जी नहीं था, मैं डंबल उछाल रहा था, मैं डंबल वो लिफ्ट कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया, 15 किलो का डंबल भी मुझे बहुत हेवी लगा आज। अभी मेरा रूटीन फिर से सुधारना पड़ेगा गाइस, जो मेरा पहला था मैं सुबह उठकर 8:30-9 बजे को जिम चला जाता था, वही रूटीन मेरे को फॉलो करना पड़ेगा,
मैं सोच रहा था कि मंडे से फॉलो करूँ, लेकिन कल रोहित भाई का बर्थडे था तो कल मतलब रात तक वो बातें हुई हम लोगों की, तो इसीलिए आज देर से उठा, वही है बात। तो एंड अभी बारिश आ रहा था थोड़ी देर पहले जब मैं जिम पर था, लेकिन अभी बारिश रुक गया है यहाँ पर, देखो थैंक गॉड, क्योंकि मैंने साइकिल ले जाया था ना, छतरी नहीं ले गया था, साइकिल ले गया था बस। एंड बारिश के वक्त साइकिल में आने से बहुत परेशानी होता है, तो वही है गाइज, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे चलो। तो ये ना अभी मेरे को यहाँ पर चिपकाना है गाइज, ये ऑलरेडी चिपकाया हुआ था मैंने, लेकिन गिर गया तो मैंने बैग पर रखा हुआ था, आज याद आया कि मैं इसको चिपकाऊंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ का वॉल एकदम खाली खाली सा लग रहा है। तो एंड वन थिंग कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारा एनिमी देखता हूँ, आई एम एनिमी फ्रीक, आई एम एनिमी लवर। तो वही है गाइज, एंड वन क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग भी क्या एनिमी देखते हो? देखते हो तो फिर कॉमेंट डाउन भी लो कौन सा एनिमी देखते हो। एंड मैं अभी आपको ना यहाँ का मतलब जो भी है यहाँ पोस्टर्स ये सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये है फ्रॉम द माई हीरो एकेडमिया, ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, वो भी सही है ना गाइज, ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, हर इंसान एक जैसा नहीं बना हुआ आता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई पावरफुल होता है, कोई वीक होता है, अपना अपना है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आपके क्वालिटीज़ को मतलब स्ट्रेंथ बनाओ, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, यही कहना चाहता हूँ। ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, बट येस एवरीबडी हैज़ दैट यूनिक क्वालिटी, एंड वो यूनिक क्वालिटी को आप लोग पहचानो एंड उसको मतलब स्ट्रेंथ बनाओ और दुनिया को दिखाओ, वही कहना चाहता हूँ गाइज। एंड या दिस इज़ फ्रॉम द एनिमी टोक्यो, दिस इज़ फ्रॉम द एनिमी क्या, टोक्यो रिवेंजर्स, या टोक्यो रिवेंजर्स, टोक्यो मांजी गैंग। एंड दिस कैरेक्टर इज माइकी, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गाइज, एज यू ऑल नो, आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये मतलब वो क्या, वो मूवी था ना क्रोज जीरो करके, बहुत पहले आया था उस मतलब वो जैसा है, वो मूवी जैसा है ये एनिमी। एंड यहाँ पर है दिस इज द फेमस कैरेक्टर मैन, एवरीबडी लव दिस कैरेक्टर, सबको पसंद है और सबको पता है कि इसके बारे में, इताची, जब ये मतलब क्लैन को मर्डर, अपने होल क्लैन को मर्डर करने वाला था ना, तो तब यहाँ पर खड़ा हुआ था ये लड़का। अब एंड दिस इज़ फ्रॉम द एनिमी, दिस इज़ द फेमस एनिमी गाइस, अभी तो बहुत सारा लोग भी रील्स बना रहे, अभी तो कॉस्ट पे भी बहुत सारा आ रहा है इसका, डेमोन स्लेयर का ना, क्योंकि एनिमेशन एकदम धांसू है गाइस, ये डेमोन स्लेयर में ना एनिमेशन इतना धांसू है, इतना धांसू है कि आपको क्या ही बताएगा। एंड दिस इज फ्रॉम द एनिमी ब्लैक क्लोवर गाइस, एंड ब्लैक क्लोवर मैंने एक ब्लॉग में बताया भी था ब्लैक क्लोवर के बारे में कि मूवी आया था बोल के, तो या गाइस दिस इज़ अ वेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुपर एनिमी, सुपर सुपर एनिमी, ये एनिमी मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि दिस गाय ना ही इज़ बोर्न पावरलेस, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करता है एंड अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये विजर्ड किंग होने का कोशिश करता है, ये ड्रीम एक कैरी करके, मतलब पावर नहीं है तब भी मतलब ये कोशिश करता है कि ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी बने लाइफ में, तो वही है गाइज। एंड दिस इज़ फ्रॉम द एनिमी हंटर एक्स हंटर, दिस इज़ गॉन एंड दिस इज़ किलुआ, आई लव इट। तो यही है गाइज मेरा एनिमी का पोस्टर्स, जो कि ये कलेक्शन बोलो पोस्टर्स बोलो एक ही बात है, तो मैं यहाँ पर लगा कर रखता हूँ, तो ये भी अभी यहाँ पर चिपकाना है, लेकिन मुझे डबल टेप ही नहीं मिल रहा, डबल टेप मैंने लाया था अंजलि के बर्थडे में, लेकिन वो कहाँ पर गुम हो गया है मेरे को भी पता नहीं है गाइज, तो अभी मैं नया खरीद कर लाऊँगा और उसके बाद ये यहाँ पर चिपकाऊँगा फिर से, ठीक है चलो। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ पानी लाने, क्योंकि मेरे किचन में पानी ख़त्म हो चुका है, मतलब कल ही ख़त्म होने वाला था लेकिन कल नहीं जा पाए बर्थडे सेलिब्रेट करते करते, तो आज मैं अभी जा रहा हूँ अकेला हूँ, तो मतलब टोटो में ही जाएंगे, टोटो में जाएंगे नहीं, चलते चलते जाएंगे और टोटो में आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बहुत बारिश हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर छतरी भी कैरी किया है एंड यहाँ पर पानी का कंटेनर, तो वही लेकर आना है गाइज। एंड आई होप कि मतलब पिछले वीडियो में जैसा मतलब पिछले बार के जैसा वो दुकान बंद ना हो और पानी मिल जाए मेरे को, यहीं पर नज़दीक में ही पानी दुकान है तो वहाँ पर मिलने से मेरे को बहुत ईजी होगा लाने में, ठीक है। तो वही है गाइज अभी हम लोग चलते हैं, तो चलो गाइज चलो। तो गाइज अभी पानी मिल चुका है, अभी यहाँ जाकर एक टोटो पकड़ना है और उसके बाद चलते बनना है गाइज। मेरे को टोटो तो नहीं मिला, अभी रिक्शा भैया आ रहा है यहाँ पर, तो यही रिक्शा में पानी को डालकर चलना है। एंड अभी मैं रिक्शा में पानी ले जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई टोटो नहीं था, थैंकफुली भैया मिले मेरे को। एंड अभी भैया के साथ मैं जा रहा हूँ, रूम तक पहुँचना है, चलो। ऊपर ऊपर भैया ऊपर, इधर इधर। तो पानी लेकर आ चुका हूँ गाइस में, अभी मस्त एकदम खाना बनाना है, खाना में आज बनाएंगे पम्पकिन फर्सी जो होता है वो बनाएंगे, आजकल तो पानी भी खरीद कर खाना पड़ता है गाइस, खाना नहीं पीना पड़ता है, और आगे फ्यूचर में क्या होगा कि ऑक्सीजन सब कुछ खरीदना पड़ेगा, ऑक्सीजन से लेकर पानी, पानी तो अभी भी खरीदना ही पड़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो वही है गाइस अभी मस्त गाना सुनते सुनते खाना पकाएंगे, चलो
तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो अलॉन्ग विद मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा कल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।